तेज रहेंगी, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और हम चलते हैं अब प्रेजेंटेशन की उस खूबसूरत दुनिया में जिसमें हम डायरेक्ट सेलिंग के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जन्म कहाँ से हुआ, ये कैसे आई और बहुत ही डिटेल में स्टडी आपको पता चलेंगी। तो आइए साथी, मैं इससे पहले कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको बताऊं, इससे पहले मैं एक ही बात आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं और मैं ये वादा करता हूं कि ये स्लाइड अगले एक मिनट में खत्म होने के पहले पहले आप लोग मेरी बातों से सहमत हो जाएंगे कि हम जो काम करते हैं पूरी दुनिया की दुनिया इस एक स्लाइड में है। पूरी दुनिया में जितने भी लगभग 7.5 अरब लोग हैं आज इस धरती के ऊपर, वो सारे लोग इस एक स्लाइड में समाये हुए हैं। तो पहले लोग ऐसे हैं जो अपना समय देते हैं और समय से पैसा कमाते हैं, ये पहले कैटेगरी के लोग हैं। और इन लोगों में नौकरी करने वाले, मजदूरी करने वाले इस तरीके के लोग हैं जिनकी एक फिक्स इनकम है, ये जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा और योग्यता लगती है, बॉस लगता है, उम्र का बंधन है, इस तरीके से ये पहली कैटेगरी के लोग है। दूसरी कैटेगरी के लोग खूब सारा पैसा लगाते हैं और उससे कम पैसा कमाते हैं, यानी 2000 के बंडल में लगा के 500 के बंडल में कमाते हैं। तो इस तरीके से मैं सभी साथियों से एक बार निवेदन करूंगा, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो ये बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ज्यादा पूंजी लगाते, रिस्क लेते हैं, लॉस झेलते, मैनेजमेंट रखते, मार्केट के उतार चढ़ाव का खतरा रखते और टैक्स के पूरे चीजों को भी फेस करते हैं। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, मुझे बिल्कुल भी इनकी स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती है। पैसा भी खुद का लगाते हैं, समय भी खुद देते हैं। देखिए, ऊपर के दोनों लोगों, एक पैसा दे रहा है, एक समय लगा रहा है, एक पैसा लगा रहा है। एक समय दे रहा है तो पैसा नहीं लगा रहा है, एक पैसा लगा रहा है तो समय नहीं दे रहा है। बड़ा उद्योगपति 4-4 साल सर उस फैक्ट्री में जाके नहीं देखता है, लेकिन हर महीने उसका प्रॉफिट उनको बराबर मिलते रहता है। लेकिन ये तीसरी कैटेगरी के लोग है, पैसा भी खुद का लगाते, समय भी खुद का लगाते और फिर चंद पैसे कमाते हैं और गिनते हैं शाम को कि आज मेरा 15,000 का धंधा हो गया। लेकिन 25 लाख लगा के 15,000 कमाया, 15,000 का काउंटर हुआ तो इनकम कितनी हुई? 1,500-2,000 रुपए, 3,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 20% से मार्जिन का कोई धंधा नहीं है आज की डेट में। तो वो 3,000 क्या है? आपके 25 लाख का ब्याज ही है। और आप पूंजी लगाते, रिस्क लेते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव का खतरा है, पूरा समय खुद ही देते हैं, शटर ऊपर शटर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक दिन खुद ऊपर हो जाते हैं और फिर हमारा बच्चा और हमारे नाती पोते उस काम को करते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये 95% लोग ऐसे हैं जो इस तीन तरीके की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें नौकरी, खेती, खेती वाले भी लोग पैसा भी खुद लगा रहे, समय भी खुद दे रहे। तो इसमें सारी दुनिया आ गई, नौकरी, खेती बाड़ी, मजदूरी, बड़े बिजनेसमैन, ये सब लोग इसके अंतर्गत आ गए। लेकिन कारपोरेट वर्ल्ड इसमें नहीं आया। कारपोरेट वर्ल्ड यानी बड़े वाले लोग, अभी मैं बताता हूं उसके बारे में, ठीक है? अब आइए चलते हैं आगे। मैं एक चौथी एक खूबसूरत कैटेगरी आपको बताऊंगा। इस कैटेगरी में केवल दुनिया के 5% लोग आते हैं और वो कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है, इसमें पैसा नहीं लगाना है, पार्ट टाइम में काम करना है और आपको जो इनकम मिलेगी ना, एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिलेंगी, पैसिव इनकम आपको मिलेगी। और ना केवल आपको बल्कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इनकम मिलेगी। तो क्या ऐसे काम के बारे में आप जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे, बताइए? इसकी हिस्ट्री, ये कैसे आया, ये जानना चाहिए कि नहीं? और मजे की बात क्या है, स्वयं का बिजनेस है, कोई पूंजी नहीं लगानी, रिस्क नहीं लगाना, लॉस नहीं, बॉस नहीं, मैनेजमेंट नहीं, योग्यता नहीं, उम्र का बंधन नहीं, ऑल इंडिया में कहीं भी कर सकते, आपकी अनुपस्थिति से पैसा आएगा। आप बोलेंगे ऐसा भी होता है क्या जी, ऐसा कौन सा काम है? 5% लोग इस तरीके के काम को करते हैं जो पैसिव इनकम कमाते हैं। और उसमें 2% लोग होते हैं विशेष योग्यता वाले लोग, जैसे लेखक, गायक, वैज्ञानिक। लेखक ने गाना गाया, किताब लिखी एक बार, रॉयल्टी आ रही बार बार। गायक ने गाना गाया एक बार, रॉयल्टी आ रही बार बार। और एडिसन साहब ने बल्ब बनाया एक बार, रॉयल्टी आ रही बार बार। और इसी तरीके से 1% खानदानी और अमीर लोग है, अंबानी, टाटा, बिरला, बजाज, ये कॉर्पोरेट लोग, मैंने पहले ही कहा था। आज अगर जियो मुकेश अंबानी इस दुनिया में नहीं रहे तो अनंत अंबानी और आकाश अंबानी को कहीं दिल्ली के चौराहे पे बैठ के भीख मांगनी पड़ जाएंगी क्या? आप सोचिए ना, मैं क्षमा चाहता हूँ अपने शब्दों के लिए, लेकिन भाई साहब उनके 7 पीढ़ियों की व्यवस्था हो चुकी है। तो ये 1% खानदानी लोग है और 2% लोग मैं प्राउड के साथ में कह सकता हूँ कि आज जितने भी लोग हम स्क्रीन पे है, हम उन 2% भाग्यशाली लोगों में शामिल है जिनको नेटवर्कर कहते हैं। और ये नेटवर्कर किसी फैक्ट्री में नहीं बनते, कोई जादू टोने से नहीं बनते, कोई ऐसा कोई मशीन नहीं है जिसमें डाल के आदमी को नेटवर्कर बनाया जाए। ये नेटवर्कर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बनते हैं और उसके सिस्टम को अच्छे से सीखने से, उसको समझने के और ईमानदारी से उस पर काम करने से बनते हैं। तो आइए हम आज उस खूबसूरत द बिग हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉम द हिस्ट्री टू द फ्यूचर, इतिहास से लेकर भविष्य तक का सारा सफर हम तय करेंगे। और आज का प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी,
और जो नेटवर्क मार्केटिंग करने की मंशा से आया है आज इस विजिट मीटिंग में, और जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा है उनके लिए भी ये प्रेजेंटेशन उतना ही जरूरी है, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग वालों को गाली दे देके और उससे अपना जी चुरा चुरा के उस नेटवर्क मार्केटिंग को ना तो निगल रहे ना उगल रहे। इससे बेटर है कि आप एक बार जान लो और फिर फैसला खुद करना अच्छा है कि बुरा है, लेकिन बिना जाने किसी के ऊपर दोषारोपण करना बहुत गलत बात है। तो आइए हम चलते हैं उस इंडस्ट्री की ओर और उस हिस्ट्री की ओर जिसमें हम नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में आज चर्चा करेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग का से संबंधित कुछ तथ्य मैं आपको आज बताऊंगा। वो तथ्य क्या है, 1986 में पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चालू हो गई थी सर, 1986, और इस कंपनी का नाम था एओन। विश्व की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करती थी। इसकी पहली डिस्ट्रीब्यूटर थी मिसेस PFELB, ये इसकी पहली डिस्ट्रीब्यूटर थी और इन्होंने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से अपना सफर शुरू किया था। ठीक है, अब उस समय 1986 में कॉस्मेटिक का उतना चलन नहीं था, इसलिए ट्रेडिशनल मार्केट में कॉस्मेटिक बिकना संभव नहीं था। इसीलिए क्या हुआ कि इन्होंने घर घर जाकर परफ्यूम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू किया। कौन सी लेडी थी वो, मिसेस PFELB, इस लेडी ने घर घर जाकर परफ्यूम बेचने का काम शुरू किया 1986 में, और विश्व की पहली कंपनी थी एओन इंटरनेशनल। अब इसके आगे देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। 1930 में कार्ल लेनबर्ग कर नाम का व्यक्ति आया, ये चाइना का मूलतः निवासी व्यक्ति थे। इन्होंने अपना विटामिन का प्रोडक्ट डेवलप किया, और क्यों डेवलप किया, क्योंकि इन्होंने देखा कि इस समय तक लोगों का पिज्जा बर्गर और फास्ट फूड जैसे खाने की ओर चलन बढ़ गया था। तो इन्होंने देखा कि यार लोगों की सेहत बहुत बिगड़ रही है, तो इन्होंने अपना विटामिन का प्रोडक्ट डेवलप किया और ये चाइना में कुछ उसकी मार्केटिंग करने लगे। लेकिन इन्होंने देखा कि इसका सबसे सही मार्केट अमेरिका में है और वहां के लोग बहुत ज्यादा अपने शैली को पाश्चात्य कर चुके हैं। इसलिए इन्होंने 1934 में ये कैलिफोर्निया गए और वहां पे कैलिफोर्निया विटामिन नाम की कंपनी बनाई और सीधे लोगों को विटामिन के प्रोडक्ट देने के बारे में इन्होंने काम शुरू कर दिया। कार्ल रेहनबर्ग फ्रॉम चाइना, ये वो आदमी था जिन्होंने वेलनेस इंडस्ट्री में विटामिन का प्रोडक्ट डेवलप किया था खुद का। लेकिन इन्होंने काम चाइना से शुरू नहीं किया, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में गए 1934 में और वहां कैलिफोर्निया विटामिन नाम की कंपनी बनाई। इसके बाद क्या हुआ, 1939 में आते आते इन्होंने कैलिफोर्निया विटामिन नाम की अपनी इस कंपनी का नाम चेंज करके न्यूट्रीलाइट रख दिया और न्यूट्रीलाइट नाम की कंपनी बनाई। और आप न्यूट्रीलाइट को भली भांति जानते हैं, आगे मैं बताऊंगा ये न्यूट्रीलाइट क्या है। ठीक है, ये 1939 में हुआ और इस न्यूट्रीलाइट के सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे ली एस मैटिंगर एंड विलियम एस कैसलबेरी। ये दो विदेशी मूल के नागरिक जो मूलतः अमेरिका के थे, ये इसके पहले डिस्ट्रीब्यूटर बने और इन्होंने अच्छा काम कमाया, अच्छा नाम कमाया, अच्छा ये काम कर रहे थे उस समय। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि कुछ लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने FDA यानी US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लेंट कर दी इस कंपनी की कि भैया ये लोगों को बिना परमिशन के और बिना हमारी जानकारी लिए विटामिन की कैप्सूल्स बेच रही है, और न्यूट्रीलाइट की कंप्लेंट हो गई। और न्यूट्रीलाइट की कंप्लेंट हो गई तो उसी बीच में दो लोग J.Van Andel एंड रिचर्ड डेवोस नाम के दो लोगों ने न्यूट्रीलाइट कंपनी को ज्वाइन किया था। ये काफी सुलझे हुए, काफी अच्छे लोग थे, इन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन इस FDA US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में न्यूट्रीलाइट ने अपने बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग से हटा के ट्रेडिशनल बिजनेस में लेके चली गई, डर लग गया उसको, समझ गए। तो न्यूट्रीलाइट वापस एक बार चली गई काय में, ट्रेडिशनल धंधे में। लेकिन ये जो J.Van Andel और रिचर्ड डेवोस जो थे ना, ये काफी सकारात्मक लोग थे और इनके DNA में तब तक डायरेक्ट सेलिंग जा चुकी थी। इसी बीच इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग पे कुछ काम करना शुरू किया और इन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, क्योंकि ये दवाई बेच तो सकते नहीं, ये US फूड FDA एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। तो इन्होंने ये कुछ सोच कर रहे थे। इसी बीच में 1951 में एक कंपनी आई टपरवेयर करके, आपने नाम सुना होगा, ये बहुत बड़ा ब्रांड है सर। टपरवेयर आया और इन्होंने डायरेक्ट रिटेल एंड पार्टी प्लान मेथड, अब ये पार्टी प्लान मेथड क्या होती है आप समझ लेना, उन दिनों इमरजेंसी का दौर चालू था तो ओपन मीटिंगें नहीं कर सकते थे, तो टपरवेयर ने एक पॉलिसी अपनाई पार्टी प्लान मेथड, यानी लोगों के घर घर जाके कुछ लोगों को जमा करके अपने प्रोडक्टों की माहिती देना, उनकी जानकारी देना। इसको होम मीटिंग नहीं बोलते क्या अपन, ये वो वहां से आया है, इसको पार्टी प्लान बोलते है। ये 1951 में टपरवेयर ने लाया था। ठीक है, मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं ना आप, यस। अब इसके आगे क्या हुआ देखिए,
ये दो आइटम लोगों को कीड़ा तो काट गया था, कौन से आइटम लोग? जे वान एंडेल और रिचर्ड डेओस। इन्होंने 1959 में कुछ तो भी जुगाड़ करके और अमेरिकन वे नाम की एक कंपनी लाई, जिसको बाद में यमवे कहा गया। और इसने वेलनेस के प्रोडक्ट नहीं लाए, हाउस होल्ड प्रोडक्ट लाए। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, यमवे का पहला प्रोडक्ट था येलो सी लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर, जिससे आप बर्तन माज सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, कार धो सकते हैं, मंजन कर सकते हैं, सब कुछ, और उसके बचे पानी को पौधों में डाल सकते हैं। इस तरीके का इन्होंने हाउस होल्ड प्रोडक्ट लाए। तो आप एफडीए क्या करेगा भैया, घरेलू सामान पे थोड़ी एफडीए शिकंजा कसने वाला था। इन्होंने बड़ा दिमाग लगाया और विटामिन प्रोटीन नहीं लाया, बल्कि इन्होंने हाउस होल्ड प्रोडक्ट लाए और अमेरिकन वे नाम की एक कंपनी बनाई, जिसको बाद में यमवे के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कब हुआ? 1959 में, ठीक। और इसके बाद 1972 में यमवे ने क्या किया, कुछ कंट्रोलिंग पावर खरीदे न्यूट्रीलाइट के, क्योंकि तब तक अमेरिकन गवर्नमेंट को यह अकल आ चुकी थी कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। तो इन्होंने सरकार की कुछ बॉडी बनी, कुछ रूल्स बने, उसके बाद इन्होंने न्यूट्रीलाइट के कुछ कंट्रोलिंग पावर, कुछ शेयर खरीदे और फाइनली 1994 में यमवे ने टेक ओवर कर लिया पूरी की पूरी न्यूट्रीलाइट कंपनी को। और आज आप यमवे का प्रोटीन या डेली देखते होंगे तो उसमें न्यूट्रीलाइट लिख के आता है कि नहीं सर? आर्टिस्ट्री नाम का एक ब्रांड चलता है जो इनका खुद का है, और न्यूट्रीलाइट नाम का एक ब्रांड चलता है जो पूरे वेलनेस के प्रोडक्ट सप्लाई करता है। कैलमेक डी, साइबेरियन जिनसिंग और प्रोटीन पाउडर, ये सब कुछ न्यूट्रीलाइट बनाती है और आज भी न्यूट्रीलाइट लिख के आता है सर। ये पूरी कंपनी को टेक ओवर किया और इस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विश्व के पटल पर आ गई। और इस बीच क्या हुआ मालूम है? 1991 में इंटरनेट आया। तो इंटरनेट आने की वजह से यमवे ने अपना काम बहुत ही तेजी से पसारा और इसी बीच और भी दूसरी कंपनियों का जन्म होना शुरू हो गया। हर्बल लाइफ, डीएक्सएन, फॉरएवर लिविंग, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आना शुरू हो गई, ठीक है, ओरिफ्लेम, ऐसी कई सारी कंपनियां विश्व पटल पर आई और इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत ही धूम धड़ाके के साथ में विश्व में चालू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग लगभग आज विश्व के 125 देशों में चल रही है, ठीक है, और 750 लोग ऐसे जिनके पास खुद के प्राइवेट प्लेन है। लोग इसको बोलते हैं ना, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, चोर उचक के लोगों का काम है। तो 750 लोग है जिनके पास खुद के प्लेन है और 85 लोगों से ज्यादा ऐसे लोग है जिनके पास खुद के प्राइवेट आइलैंड्स है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखा बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग वह खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए है, और अगले करोड़पति आप हो सकते हैं यदि आप ठीक से जान ले कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो जानना चाहते हैं ठीक से क्या है ये, तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं, काइंडली स्टे विथ अस। अब हम चलते हैं। ये है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब और बाजू में है रॉबर्ट टी कियोसाकी, दोनों बहुत दिग्गज लोग हैं और इन दोनों लोगों ने एक मिल के एक किताब लिखी है, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। और मैं बताऊं, ये किताब मेरे पास 2011 से है, यस, जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे। इसका मतलब क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बहुत बड़े नेटवर्कर है और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि वो आज भी अमेरिका राष्ट्रपति की सैलरी नहीं लेते, उसके पद की जो सैलरी मिलती है वो नहीं लेते, क्योंकि वो बहुत अमीर इंसान है। लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए उनके महीने की इनकम है डायरेक्ट सेलिंग से, यस। तो अब ये तो हो गया दुनिया की बात, अब हम आते हैं अपने खूबसूरत देश में, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इट इज द बेस्ट। अब आते हैं हमारे देश में क्या हुआ है ना, चलिए चलते हैं। इन 1995 यह स्वीडन कंपनी ओरिफ्लेम कम टू इंडिया। बहुत बड़ी गलत कमी है कि यमवे पहले आई थी, यमवे नहीं आई थी भैया, ओरिफ्लेम आई थी 1995 में, और ओरिफ्लेम स्वीडन की कंपनी है, अमेरिका की नहीं है, यस। तो अब कैसे आई ये भी बता देता हूँ। 1994 में नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी थी और उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थी ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तो विदेश इनका जाना हुआ, अमेरिका, स्वीडन, जापान, जर्मनी, जब ये गए, चाइना गए, तो इन्होंने देखा कि यार वहां पे जो रोड पे झाड़ू मारने वाले लोग है ना, वो भी अपनी कार से आते हैं और झाड़ू मार के जाते हैं, और वो एक काम करते हैं जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और इसीलिए इन्होंने इंडिया में आके इसका अध्ययन करके 1995 में परमिशन दी। 1994 में इन्होंने काम शुरू किया और 1995 में परमिशन दी कि आप आइए हमारे देश में और व्यापार करिए अपना, जिससे हमारे देश को कुछ टैक्स मिलेगा, कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। और इसी की वजह से स्वीडन की कंपनी ओरिफ्लेम इंडिया में आई 1995 में, और 5 मई 1998 को यमवे आया। सर सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज एक बार,
5 मई 1998 को एमवे आई इंडिया में, सब इंडियन, और इसको देखा सीखे कुछ इंडियन कंपनी लाइक मोदी केयर और कुछ चिटफंड कंपनियां स्पीक एशिया और भी, हम अपनी जबान को उनसे नाम नहीं लेते, बहुत सारे लोगों का छोड़ देते हैं सबको, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा इस दौरान लगभग 45,000 से ज्यादा फर्जी कंपनियां मार्केट में आ गई, 45,000 जिनका कोई माए बाप नहीं था। मनमोहन सिंह जी ने परमिशन तो दी लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनाई सर, और इसी का नतीजा था कि लोगों ने, देखिए जापान वाले वो किसान टार्च बनाया था उनने, जो किसान लोग खेत में लेके जाए, थोड़ा महंगा था, उसकी परमिशन लेने के लिए आवेदन डाला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो जिसके पहले की वो सरकार परमिशन देती, इंडिया के लोगों ने दिल्ली में किसान टार्च बना के बेच दी साफ बाजार में। हमारे लोग इतने बहादुर है डुप्लीकेसी करने के मामले में, है ना। तो क्या हुआ कि इतनी सारी फर्जी कंपनियां बनी, और इसी बीच ये एक उस कंपनी का अभ्युदय हुआ जिसके आज हम सब लोग सेवक है, जिसके आज हम सब लोग साथी है। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा, सितंबर 2000 को एक वेल नोन ब्रांड फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान से एक महापुरुष भगवान तुल्य इंसान ने, आदरणीय तिलोकचंद छाबड़ा जी ने आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग की शुरुआत की। उन्होंने भी इसकी ताकत को जाना पहचाना, और जब उन्होंने शुरुआत की तो अभी 16 सितंबर को आरसीएम दिवस आता है, और इसीलिए हम सितंबर के महीने को बहुत ही जोर शोर से मनाते हैं और मिशन सितंबर कहते हैं इसको, ठीक। लेकिन 2010 से 11 के बीच में सब चल रहे थे आरसीएम सब, भाई जैसा जिसको आ रहा था, अपनी डपली अपनी राख सब सुना रहे थे। लेकिन इस बीच बहुत सारी कंप्लेंट आई, इसके पैसे भाग गए, सोने की कंपनी भाग गई, चांदी की भाग गई, इसने उसको लूट लिया, ये कर लिया। तो इस चक्कर में क्या हुआ, 2010-11 में सरकार ने स्क्रूटनी की और सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की जांच बिठा दी और उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी। लोग बोलते हैं ना, अच्छा वही आरसीएम है क्या जो भाग गई थी, जो 1500 रुपए में 3 जोड़ी पैंट पीस कपड़े देती थी, हमको कुछ नहीं मिला बोलते आरसीएम में। अरे 1500 दिए थे, कपड़े मिल गए, आपको बैग मिल गई, कुछ सामान लिया होगा तो पैसे मिल गए, और क्या लेंगे भैया। हम उस समय भी गलत नहीं थे और आज भी हम गलत नहीं है सर, यस। और जब आरसीएम आई तो फिर क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पे कार्रवाई हुई, और डेफिनेटली गेहूं के साथ घून पिसता है तो हम भी पिसे, और बड़े बड़े धरने हुए, IDSA बना, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, WFDSA बना, और भी कई संस्थाएं बनी, ऐसी संस्थाओं का गठन हुआ, सरकार से बातचीत हुई, बड़े बड़े धरने हुए, भूख हड़ताल हुई, और सरकार से एक ही बात पूछी गई कि कुछ चंद गलत लोगों की सजा हमको क्यों दे रहे हैं आप या तो सबको बंद करिए, एमयू न्यूट्रीमेट्रिक हर्बल लाइफ डीएक्शन सबको बंद करिए, नहीं तो अगर शुरू रखना है तो फिर सबको एक गाइडलाइन बनाइए जिससे कि अच्छे बुरे की पहचान लोग कर सके और काम चालू करिए। तो फाइनली सरकार ने इस बात को माना और उन्होंने इन संस्थाओं के निवेदन पे 26 अक्टूबर 2016 को प्रत्यक्ष बिक्री से संबंधित गाइडलाइन लेके आए। देखिए कहानी चालू हुई 1995 में और गाइडलाइन कब आई भैया, 2016 में। गलती किसकी है, आम आदमी की गलती है कि सरकार की गलती है, बताइए ना आप किसकी गलती है। गवर्नमेंट भैया जिस तरीके से बैंकों को कंट्रोल करने के लिए RBI बनाया है, इंश्योरेंस कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए IRDA बनाया, 1956 से LIC चल रही थी तो फिर 1999 में IRDA क्यों आया बताओ, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस देना था ना आपको, आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंडिया में बुलाना था ना, करके आपने IRDA बनाया। और फिर बजाज एलियंस, तो बजाज तो इंडिया की है, एलियंस तो विदेश की कंपनी है, उसको दिया कि नहीं आपने परमिशन यहाँ पे, क्यों दी बताइए ना। बिरला सनलाइफ, सनलाइफ को परमिशन आपने दी, आपने टाटा AIG अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप को यहाँ परमिशन दी, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन आपने IRDA बना दिया कि भाई आप 26% से ज्यादा, अभी 49% कर दिए सीमा, आप पैसा नहीं लगा सकते और हम आपको कंट्रोल करेंगे। शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करने के लिए आपने SEBI बना दिया, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्यों नहीं कोई अथॉरिटी बनाई। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे काम किया और 26 अक्टूबर 2016 को गाइडलाइन जारी की, और उस समय हेम कुमार पांडे जी और मिस्टर जाकिर हुसैन साहब और हमारे वत्स सर और भी कई अन्य लाखों लोगों ने इसमें बहुत सारा सहयोग किया और फाइनली गाइडलाइन बनी। ये पूरे एपिसोड चैट भी सुरेंद्र वत्स पे मौजूद है,
जाकिर हुसैन साहब और हेम कुमार पांडे जी के, जो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। और मजे की बात और क्या है मालूम है सर, स्क्रीन पे आप कुछ मत करिए प्लीज। 9 अगस्त 2019 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में स्पष्टता परिभाषित कर दिया गया डायरेक्ट सेलिंग को। यस, भारत में प्रत्यक्ष बिक्री के सिद्धांत से चल रही कंपनी आप वैध है। आरसीएम सरकार की गाइडलाइन का 100% पालन करने वाली एकमात्र कंपनी है। और फीकी केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 64,500 करोड़ का हो जाएगा, और जिसमें 1.8 करोड़ लोगों को स्वरोजगार मिलेगा और इसमें 60% महिलाएं होगी। ठीक है, 20 जून 2020 को वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार अनुराग ठाकुर द्वारा आईडीएससी की बैठक में इसे भारत के विकास के लिए और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्र के रूप में बेहद जरूरी बताया गया है। और कोरोना काल में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब द्वारा लोकल फॉर वोकल में स्वदेशी के उपयोग को बखूबी समझाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, भारत सरकार ने कानूनी मान्यता दी है और मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं प्रूफ। विश्व स्तर पर डायरेक्ट सेलिंग जो है अमेरिका नंबर वन है, 2587 करोड़ डॉलर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। चाइना सेकंड नंबर पे है 2540 करोड़ डॉलर के साथ। फिर जापान, ब्राजील, फ्रांस, मलेशिया, इटली और इंडिया जो है ये 32वें नंबर पे आता है और 85.25 करोड़ डॉलर का व्यापार है केवल। कितना स्कोप है सर, जबकि हमारी जनसंख्या अमेरिका से 6 गुना ज्यादा है। एक को धक्का मारो तो 10 गिरने को तैयार है। रॉ मटेरियल बहुत है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ही काम आता है। और फूड सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, फिकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन डायरेक्ट एसोसिएशन FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इन सब लोगों के मार्गदर्शन में ये काम चल रहा है। पहले तो सरकार को यही नहीं मालूम था कि हम किस मंत्रालय में आते हैं। पहले बोले विदेश मंत्रालय में जाओ, फिर बोले वित्त मंत्रालय में जाओ, और फाइनली हमको भेजा गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में। समझ गए आप, तो सरकार खुद ही कंफ्यूज थी कि ये काम किसके अंतर्गत आता है। अब जो सरकार इतनी ध्यान नहीं दे उस इंडस्ट्री का तो भगवान ही मालिक है भैया। यस, और ये देखिए अभी मोदी साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। तो साथियों, आपने देखा हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा। ये देखिए, 26 अक्टूबर 2016 को जो प्रत्यक्ष बिक्री की गाइडलाइन आई ना, ये उसका राजपत्र है। ये देखिए यहाँ लिखा है, प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग से संबंधित मामलों के संबंध में कार्रवाई के लिए प्रेषित। ये देखिए, ये राजपत्र है गजट ऑफ इंडिया,
अपने पड़ोस की जेरोक्स की दुकान में निकाली गई जेरोक्स का कॉपी नहीं है। ये उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जारी किया है, ठीक है। ये आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की साइट पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए, भारत के कानूनों के तहत यह विधिक और पंजीकृत संस्था होगी। कौन? डायरेक्ट सेलिंग। प्रत्येक विक्रेता को तर्कसंगत व्यावसायिक शर्तों पर पूर्ण वापसी अथवा वापसी खरीद गारंटी को अधिसूचित और प्रदान करेगा, जिसे प्रत्यक्ष विक्रेताओं को वस्तुओं अथवा सेवाओं के वितरण की तारीख से 30 दिनों के अवधि के अंदर पूरा किया जाएगा। ये आरसीएम 30 दिन की गारंटी नहीं लगाई है, ये भारत सरकार ने कहा है। और प्रोत्साहक अथवा मुख्य प्रबंधन कार्मिक पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा कारावास दंडित किए जा सकते वाले किसी दंडित अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराए गए, वो कोई क्रिमिनल टाइप का आदमी डायरेक्ट सेलिंग चालू करेगा, अंदर हो जाएगा। डायरेक्टर के ऊपर कोई क्रिमिनल अपराध नहीं होना। यह प्रत्येक सूत्रधारों को उचित पहचान दस्तावेज जारी करे, आपके आरसीएम के आईडी में जाना, वहां पे आपका डायरेक्ट सेलर का कार्ड बना रहता है, देखना। और क्या है, अपने संभावित अथवा विद्यमान प्रत्यक्ष विक्रेताओं के साथ अपने लेन देन के भ्रामक कपटपूर्ण अथवा अनुचित भर्ती पद्धतियां जिसमें वास्तविक अथवा संभावित बिक्री अथवा आय का गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण शामिल हो, यानी आप आय को गलत ढंग से नहीं दे सकते और उटपटांग प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो उतने रुपए का क्यों है, ये आपको जस्टिफाई करके देना पड़ेगा। और बहुत जल्दी अभी स्क्रूटनी होने वाली है मार्च में, ये जितने भी लोग उटपटांग प्रोडक्ट बेचने वाले हैं ना, सबकी लगने वाली है बयान। अभी रूल आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग का, संसद में बिल पास हो चुका है। अपनी प्रत्यक्ष बिक्री प्रक्रिया, पारिश्रमिक प्रणाली और इसके प्रत्यक्ष विक्रेता के बीच करार अथवा इसके द्वारा प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा बेची जा रही वस्तु अथवा सेवाएं शामिल है कि प्रत्यक्ष बिक्री को बढ़ावा देने के लिए धोखाधड़ी, जबरदस्ती, परेशान अथवा अतर्कसंगत या गैर कानूनी तरीकों का प्रयोग नहीं करेगा। सब कुछ लिखा है सर, सब कुछ लिखा है, पढ़िए। ये देखिए, सरकार ने निर्धारित किए डायरेक्ट सेलिंग। और इतना ही नहीं, अभी 1 साल हुआ है जुम्मा, 9 अगस्त 2019 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है। पहले कौन सा एक्ट था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 चलता था, अभी उसमें सुधार हो गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी क्या? ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया अधिनियम। ये कब आया नया? 9 अगस्त 2019। ठीक, इसमें क्या लिखा है? इसके सेक्शन नंबर 7 के आर्टिकल नंबर बी में क्या लिखा है? द एक्सप्रेशंस बायज एंड गुड्स एंड हायर्स और अवेल्स इन सर्विसेज इंक्लूड्स ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और बाय टेलीशॉपिंग और डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। यानी चीजों की खरीदी बिक्री ऑफलाइन, यानी जो अपन दुकानों से लेते हैं, ऑनलाइन यानी नापतोल और अमेजन फ्लिपकार्ट इससे, और टेलीशॉपिंग यानी नापतोल सॉरी और ऑनलाइन यानी अमेजन फ्लिपकार्ट और डायरेक्ट सेलिंग से भी की जा सकती है, ऐसा भारत सरकार बोल रही। मैं नहीं बोल रहा हूँ बाबा, ये देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की लाइन है। और क्या लिखा है इसके आर्टिकल नंबर 13 में? डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स अदर देन थ्रू अ परमानेंट रिटेल लोकेशन। इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग सेवाओं और वस्तुओं को बेचने का एक ऐसा माध्यम है जिसमें लोगों के समूह के द्वारा भी इन चीजों की खरीदी बिक्री की जा सकती है। ऐसा कौन बोल रही? भारत सरकार। लोगों का समूह बनाकर सरकार को अकल आ गई? आम आदमी क्या बोलता है? जोड़ा जाड़ी का काम है, बोलता है ना, तो सरकार को अकल आ गई है। यस, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों का कारोबार वैध है साथियों, लेकिन कंपनी को चुनना हमारी जवाबदारी है। यस, ये इतनी सारी संस्थाएं हैं। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग नीति आयोग इस पे बहुत काम कर रहा है। ये देखिए विद्यालयों में क्लास शुरू हो चुकी है, स्वरोजगार का साधन बनेगी डायरेक्ट सेलिंग, बड़े बड़े कॉलम आ रहे हैं, 420 लाख करोड़ का व्यापार होने की संभावना है। सपनों को कैश करिए, जाल फैलते जा रहा है, रिटेलिंग उद्योग बदल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग बिक्री पर कानून से अमल से उतरेगा 1 करोड़ लोगों को रोजगार। ज्यादातर गरीब उद्यमी नहीं बनना चाहते, इसलिए गरीबी बड़ी समस्या है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करिए, अभिजीत बनर्जी कह रहा है। ये देखिए,
ये देखिए टीम वर्क करना सीखिए, ये देखिए क्या प्रूफ चाहिए आपको देके जाइए, और ये देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। On your annual survey for the 2018-19 for the direct selling industry to be released today, I understand that the direct selling has been growing at a steady pace and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. Actually, if you look at the direct selling industry, the woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. The direct selling industry can tie up with various schemes of the government like Startup India, Stand Up India, Skill India. The young people joining the direct selling industry can probably become future entrepreneurs and job creators with the help of various schemes of the government. Zindagi ki asli udaan baki hai, abhi kai aur imtihan baki hai, abhi to napi hai mutthi bhar zami tumne, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। फिक्की और केपीएमजी ने, फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है, एक दूसरे का सहयोग है। और देखिए हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है साथियों, क्योंकि हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है, डॉलर के रूप में, पॉन्ड्स के रूप में, सिंगापुर डॉलर के रूप में, इसमें रोकना जरूरी है। और हम एक होके इसको रोक सकते हैं, हमको जाके कल पाकिस्तान में थोड़ी रहना है भैया, इंडिया में रहना है। तो मुझे बताइए व्हाट वी कैन डू टू सपोर्ट दिस एज ए जनरल पब्लिक। लोग बोलते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो 8-10 हजार 700-800 स्क्वायर फीट का एक गार्डन बनाऊंगा, एक उसमें छोटा सा घर बनाऊंगा और सुबह गार्डन में चाय पीते हुए अपने पत्नी के सामने बोलूंगा पेपर पढ़ते हुए डार्लिंग डार्लिंग इन नेताओं ने देश को बर्बाद कर दिया है। ऐसे आदमी को एक कनपट पे मारना चाहिए, जो अपने परिवार के बाहर देश के बारे में कुछ सोच नहीं ना है, उसको क्या हक है देश के बारे में बोलने का, बताइए। मैं माफी मांगता हूं, मैं बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। तो मुझे बताइए स्वदेशी है तो स्वदेशी अपनाइए ना भैया, क्या फर्क पड़ रहा है। जब जापान, अमेरिका, चीन के निवासी अपने देश का माल उपयोग करने में गर्व महसूस करते हैं तो हम क्यों नहीं करते। मोदी जी ने क्या बोला, जो पहले ग्लोबल ब्रांड्स थे वो आज के जैसे लोकल ब्रांड थे, और वहां के लोगों ने उनका प्रचार किया, गर्व किया, इस्तेमाल किया, इसलिए वो ग्लोबल बने। तो हमारे भी ब्रांड ग्लोबल बनेंगे। और आरसीएम भी, मैं बहुत पॉजिटिव हूं, आरसीएम एक दिन पूरी दुनिया में जाएगा। यस, सो सपोर्ट कीजिए सर, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेड इन इंडिया और स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट कीजिए। यस, देखिए रिसेशन आ चुका है, ये इकोनॉमी की ऐसी कमर टूट चुकी है, इकोनॉमी गिरने वाली है, -24% जीडीपी हो चुकी है, 8% लोग 80 रुपए दिन से कम कमाते हैं, 50% लोग 500 रुपए दिन से कम कमाते हैं, कोई बचत नहीं है, 20% लोगों की जॉब चली गई है। टीवी के सामने बैठ के अपना समय पास करने से कुछ नहीं होगा सर, एक साल तक गवर्नमेंट में कोई भर्ती नहीं आएगी। ये देखिए जो आदमी बेरोजगार है वो ये साधारण कुकर की जैसा सीटी तो मार रहा है, लेकिन जिसको रोजगार लगा है उसको क्या बोल रहा है, आधी पगार देंगे। ये हाईटेक कुकर के जैसा है, ये सिटी भी नहीं मार सकता, गैस निकलने के लिए बाजू में एक वाल दे दिया है, गैस निकल रही है, कुर्सी पे बैठ रहे कीले चुभ रहे हैं, चुभ तो रहे लेकिन बैठना पड़ेगा बोलते। अंडर एम्प्लॉयमेंट है सर, जिस आदमी की जितनी योग्यता है उसका पैसा नहीं मिल रहा है उसको, 20 हजार वाले को कहा जा रहा है 10 हजार देंगे, करना है तो कर नहीं तो जा, है कि नहीं बताइए। तो अनएम्प्लॉय वाला भी प्रॉब्लम में है और अंडर एम्प्लॉय वाला भी प्रॉब्लम में है, इसीलिए हर साल 2 लाख लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, कोरोना में जॉब चली गई, सबको रोजगार चाहिए, कहां से लाएंगे सरकार बताइए, है ही नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार है जो मंदी से मुक्त है, नोटबंदी आई तब हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, जीएसटी में नहीं बिगड़ा, बार भूकंप आते तब हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, कोरोना में नहीं बिगड़ा और आगे भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।
एक बार ताली होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के लिए। यस, ये पांच पांच उदाहरण आपके सामने है। यस, आइए देखते हैं। आम आदमी काम करेगा, पैसे कमाएगा, खर्च करेगा, और इस बात को उद्योगपति लोगों ने जान लिया है। इसलिए देखिए, दुनिया में अमीर और कामयाब लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी लोग किसी काम की तलाश करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी की लाइन है। तो हम कभी भी नौकरी करके अमीर नहीं बन सकते, हमको बिजनेस करना होगा। मतलब दुनिया में अमीर और कामयाब लोग वही है जिनका अपना नेटवर्क है, सभी उद्योगपति। देखिए, एमडी, डायरेक्टर, वीपी, सुपरवाइजर, मैनेजर और उसके नीचे वर्कर, ये नेटवर्क नहीं तो क्या है? लोग बोलते जोड़ा जारी का काम गलत है, तो ये नेटवर्क नहीं तो क्या है बताओ? अरे एमडी से कहानी शुरू हुई वर्कर तक है, ये नेटवर्क नहीं दिख रहा है क्या आपको? तो टाटा, बिरला, अंबानी सब नेटवर्क बनाते हैं। तेज दिमाग वाले लोग ऑनलाइन शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग, मनी ट्रांसफर, अलीबाबा, ये देखिए ये सारी कंपनियों के नाम आएंगे। व्हाट्सएप, ये होटल बुकिंग, खाना, खजाना, ये देखिए कितने सारे लोग हैं सर, ये कितनी सारी कंपनियां आ गई ऑनलाइन। क्या करती है? कुछ नहीं बनाती, सब बेचती है ऑनलाइन। ये राधा कृष्ण डमानी आया, कितना लेट आया आदमी, और 92,300 करोड़ की कंपनी हो गई डीमार्ट के माध्यम से। रिटेल शेयर में आने से इतना दम है, अदानी को पीछे छोड़ दिया 15 सालों में। ठीक, ये देखिए कोरोना काल में अमेजन 170 करोड़ रुपए एक घंटे के कमा रहा है, किसके दम पे? ना कुछ बनाता है ना कुछ बेचता है, किसके दम पे कमा रहा है? कस्टमर के दम पे। चीन का सबसे अमीर आदमी जैकमा क्या कहता है? यदि आप बंदर के सामने केले और पैसा रखेंगे तो बंदर केले उठाएगा, क्योंकि पैसे नहीं, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि पैसे से बहुत सारे केले खरीदे जा सकते हैं। और वास्तविकता में यदि आप किसी नौकरी को और बिजनेस को ऑफर करते हैं तो ज्यादातर लोग नौकरी करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको यह किसी ने सिखाया ही नहीं कि नौकरी से ज्यादा पैसा केवल बिजनेस से कमाया जा सकता है। ये जैकमा का स्टेटमेंट है। इससे एक बात तो साफ है कि अमीर व विशेष योग्यता वाले लोगों के पास अमीर बनने के कई साधन है, परंतु आम व्यक्ति के पास बिना पूंजी व विशेष योग्यता के अमीर बनने के बहुत कम रास्ते हैं, और उसमें से एक रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग, है कि नहीं है? और आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग को करना ही चाहिए। हमें इन प्रश्नों के उत्तर खोजने ही होंगे आज। नेटवर्क क्या है? क्या वाकई में नेटवर्क से जीवन बदल सकता है? ये बनता कैसे है? क्या मैं भी अपना नेटवर्क बना सकता हूँ? और क्या मैं भी अमीर और कामयाब बन सकता हूँ? और आइए चलते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तरों के साथ, फिर हम अपनी मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी अपना नेटवर्क बना सकते हैं यदि आपके पास भरपूर पैसा हो। आरसीएम नहीं करना है मत करिए, लगाइए अंबानी जैसा 265 लाख करोड़ और खड़ा करिए जियो। तो बोले नहीं है सर, स्क्रीन पे कुछ मत करिए सर, या तेज दिमाग जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जितने सारे 25 लोग मैंने दिखाए वैसा सॉफ्टवेयर बनाइए। तो वो भी नहीं है, या बिना पूंजी रिस्क के एमएलएम कंपनी करिए, तो तीसरा ऑप्शन ज्यादा बेटर है। यस, फिर भी लोग भरोसा नहीं करते, क्योंकि ये देखिए ये बंदूक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, पावरफुल है, इनोसेंट है, लेकिन ये जब ये कोई बैंक है, जब ये बंदूक बैंक में खड़े गार्ड के हाथ में होती है तो आपको अपने पैसों और गहनों की सुरक्षा नजर आती है, लेकिन जब यही बंदूक किसी लुटेरे के हाथ में जाती है उसी बैंक में, तो आपको असुरक्षा महसूस होती है। तो बताइए, गलती बंदूक की है या व्यक्ति की है? किसकी गलती है? बंदूक की नहीं है भाई साहब, बंदूक तो पहले भी ब्यूटीफुल थी, पावरफुल थी, इनोसेंट थी, उसका कोई दोष नहीं था। गलती आदमी की है जिसके हाथ में हुआ है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ब्यूटीफुल है, पावरफुल है, इनोसेंट है, लेकिन इसमें गलती किसकी है? ये कुछ आरसीएम जैसी ईमानदार कंपनियां भी है और कुछ चिटफंड वाली कंपनियां हैं। गलती किसकी है, एमएलएम की या चिटफंड की? चिटफंड की गलती है, हमारी नहीं है। यस, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपके दो ही काम है, खर्चा करो, पसंद आए तो चर्चा करो। ये दोनों काम हम पहले से कर रहे हैं, और इसे ज्वाइन होने के लिए, इसमें ज्वाइन होने के लिए पैसा नहीं लगता। व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करे, जो कि वो डायरेक्ट सेलिंग से नहीं करेगा तो कहीं से ना कहीं से तो करेगा, तो बचत होगी, और अगर किसी को बताएगा तो अतिरिक्त आय के साथ वो सब कुछ मिलेगा जो शायद वो इस जन्म में ना कर पाए। ठीक, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, दुर्भाग्यवश हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्कैम नहीं होती, किंतु दुर्भाग्यवश
हर चिटफंड कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट को यूज करती है लोगों को फंसाने के लिए. समझना हमको पड़ेगा क्या गलत है क्या सही है. यस सो माय डियर फ्रेंड्स, समय पहले औद्योगिक क्रांति आई, नौकरी का युग आया, फिर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का युग आया, फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का युग आया, और अब 2000 से 2020 तक के इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल का युग आया था, और 2020 से 40 तक डायरेक्ट सेलिंग का सुनहरा युग है, क्योंकि सरकार ने अब इसको मान्यता देना शुरू कर दिया है और मंत्री और प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू कर दिया है. तो अभी तक जो हुआ उसको भूल जाइए और अब हर हर महादेव और घर घर महादेव बोल के कूद जाइए. हर हर आरसीएम घर घर आरसीएम बोल के कूद जाइए. यस तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी कंपनी चुनिए जो उस देश की गाइडलाइन का पालन करे. वो ट्रिपल पी फार्मूला यानी प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान देखे. कंपनी का प्रोफाइल 15 वर्षों से चलने वाला होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए. प्रोडक्ट अच्छी गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्यवर्धक होने चाहिए, रिपीटेबल कंज्यूमेबल अफोर्डेबल होने चाहिए, और कंपनी का प्लान सरल व्यावहारिक और नीचे से ऊपर पैसा बांटने वाला होना चाहिए. और ये तीनों विशेषताएं हमारे आरसीएम में है. दुनिया की किसी भी कंपनी के पास 1 रुपए का शैम्पू, 5 रुपए की अगरबत्ती और 9 रुपए के साबुन नहीं है. दुनिया की किसी भी कंपनी के पास में 12,000 से ज्यादा वितरण केंद्र नहीं है. तो आपको गर्व होना चाहिए आप आरसीएम में. आरसीएम में क्यों करें, एक प्रोफाइल वीडियो देखते हैं. RCM की शुरुआत सन 2000 में एक प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलर से हुई और आज 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड्स में 400 से अधिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस सिस्टम में हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट्स का लाभ उठा रहे हैं. इस सिस्टम से जुड़ते ही ये लोग एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह अपने सपनों को साकार कर रहे हैं. RCM में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक उपयोग में आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट उपलब्ध है और लगातार इसमें नए प्रोडक्ट शामिल हो रहे हैं. RCM का मानना है हेल्थ सही तो लाइफ सही. RCM की R&D टीम इस पर विशेष काम करती है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य व वातावरण के लिए हानिकारक ना हो. इस दिशा में RCM के पास डेली यूज के कई नायाब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बड़े मुकाम भी हासिल किए हैं. RCM के पास सभी प्रोडक्शन यूनिट्स में फुल्ली इक्विप्ड क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीम है, जहां हर प्रोडक्ट 4-स्टेज क्वालिटी चेक के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है. हाइजीन और प्रोडक्ट सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पर इन प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इन प्रोडक्ट को बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकता है. प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए RCM का हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला है. यहाँ पर स्थित है RCM प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस तथा हेड ऑफिस. इसके अलावा उत्तराखंड और आसाम में मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, जो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है. इतना ही नहीं, RCM के प्रोडक्ट देश के कोने कोने में रेनाउंड कंपनीज द्वारा फुल्ली क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. आप अपने घर बैठकर देश के किसी भी कोने में RCM बिजनेस को कर सकते हैं. देश के सभी राज्यों में मोर देन 8,500 एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर RCM के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और कंपनी के 100 से अधिक डिपो से इन सेंटर्स को प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है. RCM का एक उद्देश्य है कि एक बढ़िया एक फेयर सिस्टम डेवलप किया जाए, इथिकल सिस्टम हो, जहाँ वैल्यूज हो, जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट दिया जाए, और जो उपभोक्ताओं को जो बेनिफिट देना है वो एक रीजनेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि इस देश का आम आदमी अपने जीवन को खुशहाल बनाए. तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए एक हमने चुनौती स्वीकार करी है कि हम इस सिस्टम को ऐसा बनाएंगे जो शायद दुनिया में किसी ने आज तक नहीं बनाया है. क्योंकि कंपनी की सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है अच्छे प्रोडक्ट देना, रियल प्रोडक्ट देना, रीजनेबल रेट में देना, बढ़िया क्वालिटी के साथ देना, और वो सारे के साथ में आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी उसमें एक रीजनेबल तरीके से होना चाहिए. वर्ल्ड वाइड आंकड़े बोलते हैं कि हमारा स्थान 22वें नंबर पर है, जबकि पॉपुलेशन हमारी विश्व में दूसरे नंबर पर है.
यहाँ के आम आदमी की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हर दृष्टिकोण से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन चीज है इस देश के लिए। मैं संकल्प लेता हूँ कि और कुछ जो भी इसमें अच्छे से अच्छा करना है वो हम करते रहेंगे लगातार। जिस तरह से ये सिस्टम आज तक खड़ा हुआ है, कभी भी उन मूल्यों को नहीं खोएगा, बल्कि उन मूल्यों को और बढ़ाया जाएगा और अच्छे से अच्छा सिस्टम बनाया जाएगा। देखिए, पीसी सर ने भी कह दिया, अभी भारत सरकार की 100% गाइडलाइन का पालन करने वाली एकमात्र कंपनी है, पूर्णतः स्वदेशी प्रोडक्ट है, ये भारत सरकार का प्रमाण पत्र है और प्रधानमंत्री कौशल विकास जैसी योजनाओं में हम शामिल है, ये देखिए आरसीएम का प्रमाण पत्र है। सबसे विश्वसनीय, कर्मठ, जुझारू, बहुमुखी प्रतिभा के धनी और असाधारण व्यक्तित्व व संस्थापक और चेयरमैन है आदरणीय तिलोकचंद चावड़ा जी, ये एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के सम्मान में। और ये देखिए, रिलायंस के बाद टीडीएस देने के मामले में दूसरे नंबर पर इतने प्रतिष्ठित ब्रांड एम्बेसिडर है, इंटरनेशनल क्वालिटी के उत्पाद है, नेशनल अवार्ड विनिंग उत्पाद है, पेटेंट है प्रोडक्ट, बड़े बड़े डॉक्टर सलाह देते हैं, 17 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस है, फैक्ट्रिया है, जाने माने ब्रांड है हमारे साथ में। ये देखिए, पूरे देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हमारी दुकानें हैं जहां से आप सामान ले सकते हैं। पूरे देश में 1.5 करोड़ के आसपास डायरेक्ट सेलर्स है और महिलाएं बहुत तेजी से आ रही है, ये देखिए। और बच्चों की पढ़ाई पर भी अभी बीवी मिलना चालू हो गया है, ये वीटी नाम की जो बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, ये ब्रांड हमारे साथ में टाइप हो चुका है और इसमें आप अपने बच्चों को भेजकर एडमिशन के ऊपर भी बीवी पा सकते हैं। विजन है देखिए, हमारा भविष्य में हॉस्पिटल आएंगे, हमारे होटल आएंगे, हमारे अपार्टमेंट आएंगे, सोसाइटीज आएंगी, हमारे शॉपिंग मॉल आएंगे, आना शुरू भी हो चुके हैं, हमारी एयरलाइंस आएंगी, हमारे एयरपोर्ट का मेंटेनेंस होगा, हमारे पेट्रोल पंप आएंगे, ये हमारा विजन है सर। हमारी यूनिवर्सिटी आएंगी, ऑटोमोबाइल पार्ट वन में तो आ चुका था, हमारे वेजिटेबल शॉप होंगे, फ्लावर के शॉप होंगे, फ्रूट के शॉप होंगे, कुल मिला के क्वालिटी में दम, कीमत में कम और खर्चों से आती है इनकम, यही आरसीएम। कर लो ना आरसीएम, कर लो ना आरसीएम, कर लो ना आरसीएम। और मैं एक सुंदर गीत के साथ, जितने भी लीडर है आप अपने ही घरों में बैठे बैठे खड़े खड़े झूमे और आदरणीय तिलोकचंद छाबड़ा जी को आरसीएम दिवस के रूप में हम बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके प्रति और आरसीएम के प्रति अपना भाव प्रेषित करेंगे इस सुंदर गीत के माध्यम से और अपनी मीटिंग को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, इस गीत का आनंद लीजिए और एक मिनट सर झूमिए अपने जगह पे, आप गर्व महसूस करिए कि आप दुनिया की सबसे अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं और अपने आप को बिल्कुल झूमने से रोकिएगा मत, एकदम नाचिए गाइए, ऐसा सोचिए कि हम हॉल में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, दूर दूर है तो क्या हुआ, ये दिलों की दूरियां कम हो जानी चाहिए और हो गई है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और इनके सीने में ना सही, सूरत वालों के सीने में सही, सूरत वालों के सीनों में ना सही, चंडीगढ़ वालों के सीने में सही, यूपी वालों के सीनों में सही, बिहार वालों के, एमपी वालों के, महाराष्ट्र वालों के, किसी के सीने में सही, ये कहीं भी हो ये आग, मगर ये आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इस गीत का आनंद लीजिए और झूमिए सर। जिंदगी की राह पर चलना सिखाया हम सफर, तेरे संग चलने से हंसी हो गया है ये सफर। इस जहां में सबसे प्यारा आज तू मुझको लगे, तेरे बिन मुझको अब तो कुछ नहीं अच्छा लगे।
मजा आ गया। तेरे दिल में जहां का बसा प्यार है, तेरे बिन मेरा क्यों ना ये संसार है। मेरी धड़कन में तू, मेरी सांसों में तू, मेरा हर रोम तेरा कर्जदार है। मेरा हर रोम तेरा कर्जदार है, मेरे जीवन में तेरा, मेरे जीवन में तेरा नशा छा गया। तेरे संग जीने में तो मजा आ गया, आसियम तो मुझे इस तरह भा गया। तेरे संग जीने में तो मजा आ गया। जिंदगी ये तेरे नाम कर दूं मेरी, मेरी हर सोच तो है कायल तेरी। तूने मुझको तो इतना सब कुछ दिया, फर्ज अपना निभाने की बारी मेरी, फर्ज अपना निभाने की बारी मेरी। धन्य समझूंगा जो, धन्य समझूंगा जो तेरे काम आ।